प्यारे छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में या कह सकते हैं कि कल की क्लास में देखा कि स्मृति चित्रण में हम लोग बुक कैसे बनाने वाले हैं, और स्मृति चित्रण है तो उसमें फिर हमने उसका जो चित्र है वो तिरछी रखी हुई किताब है, इसको हम मेज के ऊपर भी बना सकते हैं, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी। और इसमें बुक के अंदर शेड कैसे देना है या शेडो कैसे देनी है बुक की, तो इन सब पे भी ध्यान दिया था और इनको भी बनाया था। ठीक है, तो उसी क्रम में आज जो है स्मृति चित्रण में सुराही अपने सिलेबस में भी है, तो सुराही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुराही के पहले हम पहले उसका बेस रेडी कर लेते हैं। तो ये मैं आपके सामने इसका बेस बना लेता हूँ। इसका पहले ठीक है, तो अभी के लिए हमने फिर ये यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया, इसका मैं एक नीचे यहाँ पे भी पेज दे देता हूँ। ठीक है, ये आपका नीचे का हिस्सा हो गया। और जैसा कि हम लोग बाकी आकृतियों में भी देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे किनारों को जोड़ा हुआ है, तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब सुराही के लिए क्या है कि सुराही गर्दन थोड़ी बड़ी होती है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, तो ये हम थोड़ा सीधा रखते हैं, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसकी गर्दन बना दी सुराही की। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम इसको भी हम मिला लेते हैं। ये अभी के लिए हमने इस तरह से दे दिया इसको, और इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन हम लोग और इंक्रीज करते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे भी नीचे भी एक बार और दे देते हैं ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे भी जैसे हमने लोटे के केस में भी ये डबल लाइनिंग दी थी, इसमें भी सेम ऐसे ही करते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। ठीक है,
तो ये ऑलमोस्ट हमारी सुराही कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिजाइन दे देते हैं ताकि और ये और भी सुंदर दिखाई दे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा और इसमें डिजाइन का एनहांसमेंट किया हुआ है। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसमें शेड भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको जो भी चेंजेस लगते हैं अपने अकॉर्डिंगली वो भी कर सकते हैं। डिजाइन भी यदि कोई और बनाने की आपका आपके दिमाग में है तो आप कोई और दूसरी डिजाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फाइनल एम है वो ये है कि हमारा फोटो या चित्र अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा हल्का सा इसमें शेडिंग कर देते हैं।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी हल्का सा यहाँ पे ये शेडिंग दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे ये हमारा सुराही बन के रेडी होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें चेंजेस के लिए हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग आकृति जो है इसको भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें कुछ चेंजेस और भी आपको समझ में आए तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, या फिर आप लोगों ने किसी और तरीके का सुराही भी सोच रखा है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा स्मृति चित्रण में सुराही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको, जैसे हम लोगों ने अभी तक ना ही फलों के बारे में देखा है और एक तरीके से ना ही सब्जियों के बारे में, केवल फूल और हम लोगों ने स्मृति चित्रण की जो वस्तुएं हैं वो देखी हैं, तो कल हो सकता है हम आपको या तो आम बताएंगे या फिर गुड़हल का फूल इसमें और ऐड करेंगे। तो तब तक आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो है जो भी आपने प्रैक्टिस किया हो वो भी कमेंट्स में लिख के बताएं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।